नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। फिल्म लियो फेम तमिल एक्टर मंसूर अली खान ने हाल ही में अपने विवादित बयान पर एक्ट्रेस रशा कृष्णा से माफी मांग ली है। शुक्रवार को मंसूर ने एक्ट्रेस से माफी मांगते हुए एक पोस्ट शेयर किया। मंसूर की इस माफी के बाद रशा ने भी ट्वीट करते हुए उन्हें माफ किया है। रशा ने लिखा, गलती करना इंसान का स्वभाव है और माफ करना देवताओं का गुण है। हालांकि कुछ दिन पहले ही मंसूर ने कहा था कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है, पर अब एक्टर ने माफ़ी मांग ली है, जिसके बाद यह विवाद थमता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार को मंसूर ने एक्ट्रेस से माफ़ी मांगते हुए तमिल में एक लंबा नोट शेयर किया था। उन्होंने कहा था, मेरी को स्टार त्रिशा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मुझे आपकी शादी में आपको आशीर्वाद देने का मौका मिले। इसके अलावा इस पोस्ट में मंसूर ने उन सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस कॉन्ट्रोवर्सी के दौरान उनका सपोर्ट किया। उन्होंने ये भी बताया कि FIR दर्ज होने के बाद पूछताछ के लिए जब वो पुलिस के सामने पेश हुए तो उन्हें पता चला कि कृष्णन उनकी कमेंट से दुखी हैं। तब उन्होंने पुलिस अधिकारी के सामने खेद व्यक्त किया। मंसूर बीते दिनों अपने एक विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में थे। उन्होंने त्रिशा के साथ फिल्म में रैप सीन शूट करने की इच्छा जताई थी। इस बयान के चलते सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया था। त्रिशा ने खुद उनके इस बयान को घटिया बताया था, जिसके बाद नेशनल वुमन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंसूर के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था। मंसूर का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है। 2012 में एक सेशन कोर्ट ने उन्हें एक रेप के केस में 7 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने पाया कि महिला ने खान पर झूठे आरोप लगाए थे। इसके अलावा भी मंसूर खान का नाम कई इलीगल एक्टिविटीज में सामने आता रहा है। इसी के साथ बने रहे।